ओके तो भाई मंडे नाइट रॉक ऊपर आकर रॉक ने रोमन रेंज को चैलेंज कर दिया था और स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंज ने रॉक के चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया। करेंट टाइम में हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंज के सामने एक और बहुत बड़ा मुसीबत आ चुका है, उनको रॉयल रंबल के अंदर तीन तीन बंदा के सामने अपना चैंपियंस बेल्ट को डिफेंड करना होगा। तो भाई एग्जैक्टली क्या होने वाला है रॉयल रंबल के अंदर, रोमन रेंज आखिर किस तरीके से अपना चैंपियंस बेल्ट को डिफेंड करने वाला है, सारा कुछ जानेंगे हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर। भाई वीडियो काफी कमाल का होने वाला, उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे भाई इसके अलावा भी आज का स्मैकडाउन के ऊपर बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हुए, तो भाई सबसे पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग केविन ओवंस के बारे में बात करें तो भाई फाइनली केविन ओवंस जीत चुके हैं टूर्नामेंट, अब वो फेस करने वाले लोगन पॉल। मैं आपको बता दूं भाई लोगन पॉल और केविन ओवंस के बीच में जैसे ही मैच होगा इस मैच के अंदर लोगन पॉल विन करने वाले, केविन ओवंस हारने वाले। आपको बता दूं केविन ओवंस और लोगन पॉल के मैच में सिर्फ दो चीजें हो सकती है, या तो सैंटो स्क्वायर का इस मैच के अंदर अटैक हो सकता है केविन ओवंस को, या फिर लोगन पॉल किसी तरीके से चीप हरकत करके इस मैच के अंदर केविन ओवंस को हरा दे। भाई चाहे जो भी हो पर एक चीज कंफर्म है भाई, अभी स्टिल करेंट टाइम रेसलमेनिया तक एटलीस्ट चैंपियन रहने वाले हमारे लोगन, मे बी ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर भी आकर मतलब अटैक कर सकते हैं केविन ओवंस के ऊपर। भाई कोई भी यहाँ पर हेल्प करने के लिए आ जाएगा मतलब लोगन पॉल के। भाई जो कंफर्म बात है वो है कि भाई अभी करंट टाइम में डब्ल्यू वाले केविन ओवंस को चैंपियन नहीं बनाने वाले, अभी स्टिल चैंपियन हमारे लोगन पॉल ही रहने वाले। बात करते हैं गोवर टीम के बारे में, तो भाई फाइनली आज के स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यू वाले ने इनके लिए मतलब कुछ अच्छा थोड़ा सा सोचा। वैसे भाई सबसे पहले मुझे कोई ये बताओ कि भाई ये टीम पिछले 4-5 मंथ से डब्ल्यू वाले ने अभी तक इस टीम का कोई नाम नहीं रखा है, भाई बिना नाम का कौन सा टीम होता है। भाई कैरियन क्रॉस ने आज के स्मैकडाउन के ऊपर एओपी के साथ अटैक कर दिया इनके टीम के ऊपर, जो कि मेरे ख्याल से भाई बहुत अच्छा चीज। करेंट टाइम अगर देखा है तो भाई कैरियन क्रॉस का भी हालत बहुत ज्यादा खराब है, साथ ही साथ बॉबी लेस्ली का भी टीम का बहुत ज्यादा हालत खराब। तो अगर डब्ल्यू वाले अगर इन दोनों के टीम में एक अच्छा रेवलरी अगर सेट करती तो भाई मेरे ख्याल से अब काफी अच्छा चीज होने। साथ ही साथ भाई करेंट टाइम में कैरियन क्रॉस के टीम में पूरे 5 बंदे हो चुके हैं, तो भाई कैरियन क्रॉस रोमन रेंज के अगेंस्ट जा सकते हैं। आपको पता ही हो कि भाई कैरियन क्रॉस कितने दिन से चाह रहे हैं रोमन रेंज के अगेंस्ट जाने के लिए, तो भाई वो जा सकते हैं फाइनली। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा योशिकाई के बारे में बात करें तो भाई मैं आपको 200% कंफर्म बताता हूं योशिकाई अपना चैंपियनशिप को हारने वाले रेसलमेनिया 40 के अंदर। मैं आपको बता दूं या तो इनको बेली हराने वाले या फिर इनको बियांका ब्लेयर हराने वाले, कोई भी हराए पर भाई ये हारेगी अपना चैंपियनशिप। वैसे फाइनल अगर हम लोग अपने ट्रैवल चीफ रोमन रेंज के बारे में बात करें तो भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंज का बहुत बड़ा वाला पोपट हो गया। रोमन रेंज किसी एक बंदा के अगेंस्ट भी अपना चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं करना चाहते थे, पर भाई उनको तीन तीन रेसलर के अगेंस्ट अब करना पड़ रहा है। भाई आप लोग यहां पर देख सकते हैं डब्ल्यू वाले ने इस मैच को अनाउंस भी कर दिया, आपको ये मैच रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलने वाला है। आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि भाई रोमन रेंज आखिर चैंपियनशिप को डिफेंड कैसे करने वाला है, तो भाई मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले रॉयल रंबल के अंदर। सबसे पहले भाई मैं निक के बारे में थोड़ा सा जरूर मैं बोलना चाहूंगा, भाई निक का क्लास मतलब 100% लगने वाला नेक्स्ट स्मैकडाउन। इनका जो मतलब हरकत रहा आज का स्मैकडाउन भाई सच में मतलब काफी ज्यादा फनी। वैसे टॉपिक ऊपर वापस आए तो भाई सोलो सिको और जेउसो दोनों मिलकर रोमन रेंज को रॉयल रंबल के अंदर नहीं बचा सकते, क्योंकि अपोनेंट टीम में भाई तीन तीन रेसलर और एक साथ सोलो सिको और जेउसो मतलब रैंडी ऑटन एजे स्टाइल और एलन नाइट को हैंडल नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब है कि डब्ल्यू वाले मे बी भाई यहां पर कोई नया रेसलर का रिटर्न करवा सकते हैं, या तो रेसलर एनएक्सटी से ब्राउन ब्रेकर हो सकते हैं जो कि आकर रॉयल रंबल के अंदर रोमन रेंज को सेफ, या फिर एक और रेसलर है रॉक की बेटी एवा जो भी भाई आकर रोमन रेंज को सेफ कर सकते हैं रॉयल रंबल के अंदर। क्योंकि भाई रोमन रेंज यहां पर तीन तीन रेसलर के अगेंस्ट अपना चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे हैं, तो भाई डब्ल्यू वाले रेगुलर वाला चीज नहीं करने वाले। भाई हम सबको पता है कि भाई स्मैकडाउन के ऊपर अगर रेगुलर भी मैच होता उसके अंदर भी सोलो सिको और जिमी उसो दोनों बचाने आते हैं, रॉयल रंबल के अंदर भी अगर सोलो सिको और जिमी उसो अगर बचाने आए रोमन रेंज को, तो भाई डब्ल्यू वाले यहां पर कुछ यूनिक नहीं कर पाए। भाई मेरा कहने का मतलब है कि भाई ब्राउन ब्रेकर भी आ सकते हैं, एवा भी आ सकते हैं, या फिर रॉक भी आ सकते हैं, भाई कोई भी आ सकता है रॉयल रंबल के अंदर। डब्ल्यू वाले जो भी करने वाले रॉयल रंबल के अंदर भाई वो बिल्कुल क्रेजी करने वाला, अब सच में शौक हो जाएगा उसे देखने का। साथ ही साथ भाई अगर हम लोग थोड़ा सा एले नाइट के बारे में बात करें तो भाई एले नाइट का ब्लड निकल चुका था आज का स्मैकडाउन को, और धीरे धीरे भाई देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई डब्ल्यू वाले अब खुद से शायद ब्लड ऐड करना चाहते हैं मैचेस के। अगर आपको याद होगा तो भाई मंडे नाइट रॉक ऊपर बैकी लिंच के भी मुंह से ब्लड आया था, जिसको डब्ल्यू वाले बार बार फोकस करके दिखा रहे। भाई डब्ल्यू वाले मतलब बिल्कुल एडब्ल्यू जैसा नहीं बनने वाले, पर हाँ थोड़ा थोड़ा आपको ब्लड अब देखने को मिलने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है रॉयल रंबल का हमें एग्जैक्ट एंडिंग किस तरीके से देखने को मिलेगा, सारे लोग अपना राय कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, जिन लोगों को मेरे से बात करना भाई सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।